हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ली शेटेलियस प्रिंसिपल दैट इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द आयन्स इट शुड कंबाइन विद द आयन ऑफ इट्स ऑपोजिट चार्ज एंड सम ऑफ द सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेट. कब तक प्रेसिपिटेशन चालू रहेगा? जब तक कि वापस से जो के एस पी है वो क्यू एस पी के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि आपको मालूम है ना के एस पी की वैल्यू किसके बराबर होती है. इक्विलिब्रियम के जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बराबर होती है कि उसके आयनिक जो आयन्स है ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट के बराबर होती है. तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इंक्रीज़ कर दी कॉन्सेंट्रेशन किसी एक आयन की. अब क्या होगा, अब आपने तो आयन की तो आपने बिगाड़ दिया इक्विलिब्रियम को. तो आपने क्या, वापस से वो क्या करेगा, वापस से वो आपने बढ़ा दिया ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो दूसरे अपने ऑपोजिट चार्ज वाले आयन से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन शुरू कर देगा. रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होने लग जाएगी. मतलब जो सॉल्ट डिसोसिएट होकर आयन्स बना रहा था, आपने आयन्स और ऐड कर दिए, तो अब जो वो आयन्स हैं, आपने के एस पी बिगाड़ दिया, इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया, तो वापस से आयन्स जो हैं वो रिएक्ट करके वापस से सॉल्ट बनाने लगेंगे और सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा. कब तक प्रेसिपिटेशन चालू रहेगा? जब तक कि वापस से जो क्यू एस पी आ गया है अभी, वो के एस पी के बराबर नहीं हो जाता. जितने ज़्यादा अमाउंट में आप आयन्स मिक्स करोगे उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा. सिमिलरली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयन्स इज डिक्रीज्ड, अब इसी तरह से आप मान लो डिक्रीज कर दिया आपने, तो अब आपने फिर वापस से के एस पी को बिगाड़ दिया है. अब क्यू एस पी जो है वो कम आ रहा है, क्यू एस पी कम आ रहा है, यानी कि आपको आयन्स और ज़्यादा चाहिए, है ना, आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो सॉल्ट और ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेगा और आपको आयन्स वापस से, आपने डिक्रीज कर दी थी ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन, तो अब ये सॉल्ट डिजॉल्व होने लगेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी. कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक कि क्यू एस पी की वैल्यू के एस पी के बराबर नहीं हो जाती. मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयन्स टिल वंस अगेन के एस पी इज इक्वल टू क्यू एस पी. दिस इज एप्लीकेबल इवन टू द सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, एक्सेप्ट दैट ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन वी यूज देयर एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ देयर मोलैरिटीज इन द एक्सप्रेशन फॉर क्यू एस पी. दस इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पास एस सी एल गैस थ्रू इट, क्या होगा बच्चों, आपने एस सी एल गैस पास करी तो आपने क्या किया, आपने क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी. अब क्या होगा, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो ये जो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है, वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा, क्योंकि आपने क्यू एस पी जो है वो बढ़ा दिया है, क्लोराइड आयन बढ़ा दिए ना. ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अवेलेबल फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ एस सी एल, का भी डिसोसिएशन हो रहा है. सोडियम क्लोराइड दस ऑब्टेन इज ऑफ अ वेरी हाई प्योरिटी. बच्चों इसी मेथड से ही सोडियम क्लोराइड को प्योर किया जाता है. जो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड कलेक्ट करते हैं ना सी वाटर में से, उसमें से एस सी एल को जब एस सी एल को डिजॉल्व करते हैं ना, तो क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और जो प्योर सोडियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है. सोडियम क्लोराइड दस ऑब्टेन इज वेरी हाई प्योरिटी एंड वी कैन गेट रिड ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स, वो सब रह जाते हैं सॉल्यूशन में. सी वाटर में तो सारे ही होते हैं ना, सारे सॉल्ट्स होते हैं. द कॉमन आयन इफेक्ट इज ऑल्सो यूज, ये कॉमन आयन इफेक्ट हुआ ना, NaCl में भी Cl था, HCl मिलाया तो उसमें भी Cl था, ये कॉमन आयन है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. इज ऑल्सो यूज फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन एज इट्स स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट विद वेरी लो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन. अगर कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो बहुत कम डिजॉल्व होता है तो उसके आयन्स ही कम बनेंगे, तो उसको कंप्लीट प्रेसिपिटेशन कैसे होगा उसका, उसको कराने के लिए इसमें कुछ कॉमन सॉल्ट्स मिला देते हैं ताकि वो जो सॉल्ट है ना वो अच्छे से प्रेसिपिटेट आउट हो जाए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन्स विद वे. अच्छा, दस वी कैन प्रेसिपिटेट सिल्वर आयन एज सिल्वर क्लोराइड, फेरिक आयन एज इट्स हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, एंड बेरियम आयन एज इट्स सल्फेट फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशंस. ठीक है, तो इनका क्यों हुआ प्रेसिपिटेशन, कैसे हुआ प्योर फॉर्म में, क्योंकि आपने कॉमन सॉल्ट्स मिला दिया.